अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखती आंखों सुनते कानों, आपको काशिफ परदेसी का सलाम। ये जनाब एक बज चुके हैं रात के, ये दिन के एक नहीं है। हंगामी हालात में ईद की तैयारियां हो रही हैं, तो 11 बजे जो है ना वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐलान किया ईद का। तो हंगामी हालात में जैसे कि हमने अभी अपना एक कमरा डस्टिंग करके और ये रेडी किया है जनाब, एक कमरा हमने ईद की तैयारी के लिए। तो आपको दिखाते हैं हंगामी हालात में तैयारियां कैसे हो रही हैं। ये देखिए एक कमरा हमारा डस्टिंग के बाद मेहमानों के लिए जनाब रेडी हो चुका है। ये देखिए नई बेडशीट, कुशन, फ्लावर, नए फ्लावर और ये नया सोफ़ा और कुशन के कवर। ये देखिए माशाल्लाह ईद की तैयारियों के लिए रवा दमा हंगामी हालात में ईद की तैयारियां रेडी हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको दूसरे कमरे का भी रिव्यू करवाते हैं और डस्टिंग भी हो रही है जनाब पूरे भरपूर तरीके से, जैसा कि अभी जो है ना काफ़ी सारा इस तरीके से अभी सामान फैला हुआ है, क्योंकि सुबह रमज़ान था और रमज़ान के बाद था कि सुबह हमारे पास एक दिन है। इसकी जनाब हमारी नई फ्रिज, साथ में इसका रिव्यू, बड़ी खूबसूरत, बड़ी पायदार। और ये देखिए माशाल्लाह सर रख दिया है इसमें जनाब वेजिटेबल फ्रेशर, ठीक है जी। उसके बाद में फिर इनके ग्लासेस के ऊपर मेरी मिसिस ने जो है ना वो रैप लगा दी है, पेपर लगा दिए हैं ताकि इनके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़े इस तरीके से। और दूसरा इसमें ये कि पावर कोर सिस्टम है, आपकी पावर जो है ना पूरी राउंड में जो है ना वो सर्कल करेगी इस तरीके से। तो ईद की जनाब तैयारियाँ हो रही हैं बड़े ज़ोरों शोर से, फिर आपको आगे चल के इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये नया दीवान भी जो बनवाया है बड़ा स्पेशल, तो इंशाल्लाह ये भी अभी क्लीनिंग करने के बाद में आप ईद की वीडियो पूरी देखें हमारे साथ, हम लोगों ने ईद कैसे इंजॉय की, ईद में क्या क्या पहना मैंने और मेरे बेटों ने और मेरी भतीजी ने और मेरे भाई ने। और इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिए ताकि ईद की खुशियां हम आप लोगों के साथ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये माशाल्लाह एक कमरे का रिव्यू जो हो गया है, रेडी हो गया, अभी दूसरे कमरे का रिव्यू हो रहा है। ये पाइप था, पाइप में जो है ना फूलों की लड़ियाँ सटकी हैं, ठीक है। मिसेज मेरी दूसरे कमरे में लगे हुए हैं, मैं और मेरा बेटा साइन जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये गैस का पाइपलाइन जो है ना ऊपर जा रहा था दूसरे रूम में, तो इसलिए इसके ऊपर ला के ये फूलों की हमने लड़ी को, फूलों की बेल को हमने लगाया है ताकि थोड़ा खूबसूरती का जो है वो मंजर नजर आए। तो इस तरीके से ये माशाल्लाह हमारा पूरा हो गया। ये पत्तियां कहीं ना कहीं ऐसे करके एडजस्ट हो जाती हैं, ये देखिए ईद की तैयारी हंगामी हालात में। हम हंगामी हालात में आपने सुना होगा, मेरा ख्याल कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ पहली दफ़ा इस तरह का चांस हुआ है कि माशाल्लाह 37 ईयर मेरी एज हो गई है कि इस तरह 11:00 या 11:30 पे पता चले जी सुबह मॉर्निंग में ईद है। तो डस्टिंग इसकी भी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह आपको बाकी रिव्यू देते हैं। एमरजेंसी में जो है ना बहुत मुश्किल है, अभी पूरा मिसेज ने खाना भी बनाना है, सुबह के लिए स्वीट भी बनानी है और बाकी जो है मैं और मेरा बेटा साहिब और ज़ाहिर तीनों हम भरपूर कोशिश से जो है ना दस्ती वगैरह करने लगे हुए हैं। बाकी फिर सुबह जो है ना वो काम वाले आना है, वो फिर बाकी घर की सफाई वगैरह बर्तन वगैरह वो तो वही होती हैं। वालेकुम मेरे सब फैंस को, मेरे सब कलीग्स को, मेरे सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हंगामी हालात में ईद की तैयारी करने के बाद अभी हम सुबह जो मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद में स्वीट खाने के बाद में जनाब रेडी हो गए नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है माशाल्लाह नमाज पढ़ के आ गए हम, और नमाज के बाद
ऑब्वियसली पहला काम अपनी YouTube फैमिली, अपने सब्सक्राइबर, अपने स्टूडेंट, अपने चाहने वाले उम्मत मुस्लिमा सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत माशाल्लाह रमजान मुबारक, चांद रात मुबारक, और माशाल्लाह आज ईद का दिन हमारे मुसलमानों का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, ईद मुबारक आपको। और इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला इस आफत, इस बीमारी, इस कोरोना की आफत जो पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला सबको इससे निजात दिलाए और अपने इज्जमान में रखे सबको। और बहुत बहुत ईद मुबारक मेरे चाहने वालों को। तो माशाल्लाह ईद की नमाज पढ़ के आ चुके हैं, तो खाना भी शेयर करेंगे आपके साथ, क्या बना रहे हैं आज की पूरे दिन की मसरूफियात मेरी, मेरे बेटों की, मेरी फैमिली की, और अपने दोस्तों से ईद मिलना है इंशाल्लाह, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, ये सारा कुछ, सारी मोहब्बत आप लोगों के लिए है। प्यार होना, बनना, संवरना फैमिली के बाद यूट्यूब की फैमिली जो है वो भी डिजर्व करती है, उनको उनके साथ भी मिलना होता है और देखना होता है। और शाम तक इंशाल्लाह सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि खाने में क्या बन रहा है और स्वीट में क्या बना था। जी तो खाने में रेडी हो रहा है हमारा वाइट कोरमा, खाने में हमारा जनाब वाइट कोरमा रेडी हो रहा है। उसके बाद में होंगे जूसेस वगैरह, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक। ये देखिए जी, तो गाइस देख सकते हैं कि हैं पाप के अर्जेंट ईद के बाद जो है ना मीठा ना बनाने की वजह से अभी हम केक वगैरह लेके जा रहे हैं, जो कि अभी सर्व करेंगे मेहमानों को, दोस्तों को। ये हकम बेकरी हमारी एरिया में है, जानने वाले हैं, तल्लुकात वाले हैं हमारे। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे केक लेने के लिए। जी तो गाइस मेरे बेटे यार, मास्क नीचे करो। मेरे बेटे एंजॉय करते हुए हॉर्स राइड, ये देखिए माशाल्लाह। जैर और ये सायम बेटा, सायम मास्क नीचे करो। ये सायम हॉर्स राइडिंग एंजॉय करते हुए, वाह जी वाह। सायम पापा फिर पीछे बैठ जाए, साइम बेटा एंजॉय करते हुए अपनी हॉर्स राइडिंग। उजैर अपनी हॉर्स राइडिंग एंजॉय करते हुए, और साइम मास्क नीचे करो। और ये साइम अपनी हॉर्स राइडिंग एंजॉय करते हुए, इतना बड़ा हो गया घोड़े पे बैठता है, देखो साइम। हाँ जी सायम, लास्ट हो गया, इसको नीचे कर ले। चलो उजैर कहाँ पे हो? भाई हो। हाँ जी, आया मजा आया उजैर?